हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रोज़ टोनर बनाने का तरीका, जिसे हम रोज़ को यूज़ करके बनाएंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये टोनर बिल्कुल केमिकल फ्री टोनर होगा, 100% नेचुरल होगा। इसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करेंगे। ये टोनर एज अ फेशियल मिस्ट, एज अ रोज वाटर भी वर्क करता है। तो ये टोनर के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसे रोज़ से बनाया गया है और रोज़ के बेनिफिट्स तो हम सब जानते ही हैं। तो ये रोज़ टोनर स्किन को अच्छे से डीपली क्लीन करता है, पोर्स को क्लीन करता है और उसे मिनिमाइज करने में भी हेल्प करता है। मतलब इसे रेगुलर यूज़ करने से गड्ढे भर जाते हैं, स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है और इसके साथ ही साथ ये स्किन में हेल्दी ग्लो भी ऐड करता है, फाइन लाइंस वगैरह को आने से रोकता है। ये एक्ने पिंपल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। और अगर इसके यूजेस की बात करें तो आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ टोनर, एज अ क्लींजर, या आप कोई फेस पैक में भी इसे बना कर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो अब इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं, इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये दो रोज़ के पेटल्स लिए हैं। इसे धोकर एक कप पानी में डाल देंगे। इसे थोड़े से पानी में ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है। तो अब इसे हमें बॉईल करना है 5 to 6 मिनट्स के लिए। फाइव मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। रोज़ की सारी गुडनेस ये वाटर में आ गई है। तो अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, गैस ऑफ कर देते हैं और ठंडे होने के बाद हम इसे छान लेंगे। ये देखिए वाटर का कलर चेंज हो गया है। ये नेचुरल कलर है, मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है। तो ये रोज़ की वाटर बिल्कुल रेडी है। आप इसे ऐसे भी अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये रोज़ वाटर। रोज़ वाटर में बहुत सारे विटामिन होते हैं, जिससे स्किन में ग्लो आती है, स्किन फेयर होती है और स्किन यूथफुल दिखती है। तो अब हम ये रोज़ के वाटर में एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे वाओ का एलोवेरा जेल लिया है। आप इसके जगह पे कोई और भी ब्रांड की एलोवेरा जेल ले सकते हैं। अब हम इसमें सेसमिन ऑयल ऐड करेंगे, यानी तिल का तेल। हम इसमें 1 टेबल स्पून ये तेल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून एनफ होगा इतने वाटर के लिए। तो अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और जब ये अच्छे से मिल जाए तब हम इसे कोई बॉटल में स्टोर करके रख देंगे। मैंने यहाँ पे ये स्प्रे बॉटल लिया है, ताकि ये इजीली डायरेक्ट फेस पे अप्लाई हो जाए। आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्प्रे बॉटल ही होनी चाहिए। और आप इसे 15 डेज तक यूज़ कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रख कर। तो जैसे आप कोई और टोनर लगाते हैं वैसे ही इसे भी लगाना है, कॉटन से या डायरेक्टली अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो इससे। तो ये रोज़ वाटर इजली स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल भी स्किन को ये ड्राई होने नहीं देती है इसे लगाने के बाद। इनफैक्ट ये स्किन को हेल्दी ग्लोइंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो आप ये रोज़ टोनर को घर पे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही इजली अच्छे से बन जाती है और बहुत काफ़ी इफेक्टिवली अच्छे से स्किन पे वर्क भी करती है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।